ये देखो, ये हम रास्ते हमारे कच्चे कच्चे इतने खराब हुए पड़े हैं कि हमारे जूते ही खराब हो जाते हैं। सो अभी गाड़ी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू डे एंड न्यू वीडियो। मैं लेफ्ट राइट वैसे देखती हूँ कि कोई देख तो नहीं रहा, ठीक है? तो क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप भी सब खैरियत से होंगे। मैं अभी जा रही हूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ जा रही हूँ। खैर, बारिश आई है, रास्ते हमारे कच्चे कच्चे इतने ख़राब हुए पड़े हैं कि हमारे जूते ही ख़राब हो जाते हैं। सो अभी गाड़ी वो बाइक आ रहा है, हम निकलते हैं और फिर मिलते हैं। यहाँ पे देखो, हम लोगों ने ना पूरी बस बुक कराई हुई है। दो बंदे वहाँ बैठे, एक बंदे वहाँ बैठे, पूरी बस खाली है। और अगर इधर फोकस किया जाए तो मैं आगे बैठी हूँ इनसे। मौसम जो है ना, बारिश हो रही है और पता नहीं हम कैसे घर पहुँचेंगे। क्या आपने कभी बड़े सिंह वाली बकरी देखी है? अगर नहीं देखी तो चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ। और जिस तरह की उसके ऊपर डिजाइनिंग की हुई है, चले सीन तो उसकी कुदरती चीज़ है, कुदरत की तरफ से हुई है, लेकिन जो उसके ऊपर डिजाइनिंग की गई है तो बिल्कुल अभी ये देखिए। एक मिनट, क्या हम हमारे टाइम से लेट होते हैं? आए हैं, यूं समझें कि हमारी बसें गुम हो जाती हैं। में बैठे थे, शायद आपने पहले गौर किया हो, वो सीट्स और थी और अभी जो है ना ये और है। क्योंकि हम एक न्यू बस में आके बैठे हैं, वो जो जा रही थी वो कैंसिल हो गई, जो कराची जा रही थी ना वो कैंसिल हो गई। अब हम न्यू में आके बैठे हैं, अब ये जाएगी, नो आइडिया कि ये कितने बजे जाती है, कब तक जाती है। और घर से कॉल्स आ रही हैं। और ये जो मोहतरमाएँ बैठी हैं, इन्होंने तो आगे आगे का सफ़र करना ही 11 नंबर पे है। सो समझ आ गई होगी कि 11 नंबर क्या है, तो इन्होंने 11 नंबर पे जाना है और हम लोगों को लेने आएंगे, तो वो लेने के लिए आए हुए हैं। कॉल ये आई है कि हमारी तरफ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और अब देखते हैं कि हम कैसे पहुँचते हैं। टाइम जो है ना 6 बजने वाले हैं शाम के, और देखते हैं आज हमारे साथ क्या होता है और कब तक हम पहुँचती हैं। तो आज क्या क्या देखने को मिल रहा है? बंदर की शक्ल इसने कैसे बनाई हुई है? अच्छा, पहले जब मुझे बकरी मैंने देखी, देखो छुप गया आप लोगों को देख के ना, वो साइड पे बैठा है। ये आ गया, बस के अंदर जा रहे हाय हाय, पता नहीं कब तक गाड़ी आएगी। लेट ही सही, मगर हम घर पहुंच आए, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच आए। आज थोड़ा लेट हो गया थी, काम बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से मेरा तो ये था कि ईशा तक भी मैंने उधर ही बैठना है, पर मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स थी तो उनको लेके आना मस्ट था। खैर अब घर पहुंच आए हैं, घर पहुंच आए हैं तो मेरी अम्मी परेशानी की वजह से इधर बैठ के रो रही हैं। ये देखो, अभी तक मैंने बैग तक नहीं उतारा और सोचा आपके साथ ही चीज़ शेयर करूँ। ये देखें, ये ये देखो, ये हम तकरीबन 1.5 घंटा, शायद 1-1.5 घंटा लेट हुए हैं। और हम रास्ते में भी थे कि आज हम लेट आएंगे, लेट हो गए हैं इस वजह से। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे फिर नेक्स्ट जाने से पहले। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अच्छा से कमेंट कर दें, और हाँ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। हाँ मतलब यही था, मैंने जानबूझ के ऐसे कहा। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब बखैर।